बेसिकली इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं आपको प्रॉब्लम बताऊं, अगर यहाँ पर डायग्नोस करने की बात करें तो ये एक वाटर डैमेज मोबाइल है और इसमें प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आप नोटिस करो जो आप ये बीपी के रंग देख रहे हो, इसका तो नॉलेज सबको होगा और इसमें एक पैड पूरा निकल चुका है यहाँ पर और यहाँ कोई भी जीआर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब अब इसका सोल्यूशन क्या होगा आपके हिसाब से? सीपीयू होगा। हेलो पक्का मिलन सर, कुछ सोल्यूशन? जी सर, सीपीयू से लाइन, सीपीयू से लाइन निकालेंगे, सीपीयू ड्रिल करेंगे। ओके सर, कोई सोल्यूशन? सीपीयू से जंपर मारेंगे। अभी तक कोई और सोल्यूशन कोई यूट्यूब से देख कर या कहीं से? हेलो बता दो यार, एक ही सोल्यूशन होता है मिपी की लाइन ओपन होने पर, क्या? सीपीयू। सीपीयू से होता है तो उसमें कितना टाइम लगता है? जो क्रैशर्स होंगे उनको तो टाइम लगेगा और घबराहट भी होगी, सोच रहे होंगे यार पता नहीं अभी तो रीडिंग आ रहा है वो भी छोड़ देगा साला, हेलो ये घबराहट तो नहीं होगी, तुम लोग को तो नहीं होनी चाहिए और तुम लोग को पता भी है जाने के बाद कब काम पकड़ना है। हेलो बिल्कुल सर, है ना? देखो कॉन्फिडेंस इज गुड बट ओवर कॉन्फिडेंस हमें नहीं लेना। हेलो काम आ रहा है, काम बन रहा है, पर हमें काम बनाना नहीं है, हमें परफेक्ट काम करना है, मतलब एक नंबर काम करना है ना। तो मिलन सर अगर सीपीयू ड्रिल भी करते हैं या सीपीयू निकालते भी हैं तो ड्रिल करने में ऐसा होगा कि एक का टेस्ट पॉइंट पता चल जाएगा, हर एक का टेस्ट पॉइंट पता चलेगा क्या? नहीं यार, अगर हर एक का पता भी करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। अच्छा सीपीयू निकाल कर करेंगे तो मिलन सर आप मुझे बताओ आपको कितना टाइम लगेगा? अपन एक्सपर्ट से पूछ ले क्या? बिना सीपीयू उतारे ड्रामे चला के दिखाओ। हेलो वो पॉइंट यूज ही नहीं करेंगे, वो बोलता है तू जाती है जाने दे। हेलो हमें कोई देर हमें देने से मतलब क्या बोलते हो? करेंगे नहीं करेंगे? चलो कर लेते हैं, बजा देता हूँ। जिस जिसको सीटिंग आती है सीटिंग बजाना, ताली आती ताली बजाना, मैं सबसे बहुत खराब था पर मार्केट में यही चल रहा है तो चल ले लो, मैं सब लाता नहीं। वेरी गुड, क्या बजे तुमने बजाई? ठीक है, तो मैं अलग ही ये सब मानता नहीं हूँ और क्लास का डेकोरेट खराब नहीं हो, खराब नहीं करना चाहिए, बट क्या करें पब्लिक यही देखना चाहती है, अलग क्लास को संकट बना के रखे हैं लोगों ने, समझ रहे हो? तरकीबें जला रहे, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ठीक है हाँ कोई बात नहीं, एक वीडियो हमारे नाम से भी आदत नहीं। तो अभी मैं सिर्फ अटेंड कर रहा हूं, वीडियो के बाद मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। क्या बोलते हो? नंबर वन और एक कटर को देना लेट। कोई पर वो नहीं मानते, ये बात तो क्या मानी मानी
यहाँ से तो हो गया काम, ठीक है टेस्ट कर लेते हैं। यदि मोबाइल मार दिया मैं बेलाऊँ जो भी है। हमें सबसे पहले तो इन लोगों को बेसिक नॉलेज दिया है प्रोग्रामिंग है क्या। प्रोग्रामिंग कुछ नहीं है कि एक फाइल से ही प्रोग्राम होता है। हमें इन लोगों से थोड़ा समझाना पड़ा कि ईएमसी कैसा होता है, उसमें नेट क्या है, कंट्रोल क्या है, क्या काम करता है। इन लोगों को काम हमने इस तरीके से सिखाया है, अगर उस फोन की अगर सीपीयू ठीक है तो ईएमसी अगर डैमेज है, पूरी ब्रेक है, तो भी ये लोग फोन चालू कर सकते हैं। yes, sir! विदाउट बैकअप हो जाए, आपका सैमसंग का मोबाइल फोन हो, एम आई के मोबाइल फोन हो, ओप्पो वीवो रियलमी कोई सा भी फोन हो, आप कर सकते हो क्या? कर सकते हैं। ये इस तरीके से हमने काम किए हैं सर। साथ ही साथ हमने और जो सीखे हैं कि रैम कैसे अपग्रेड करें, रोम कैसे अपग्रेड करें, सीपीयू वाइज काम सीखे हैं। आज हमारी सिक्योरिटी की क्लास था जो कंटिन्यू चल रहा है। तो यार मतलब जबरदस्त रही क्लास, हार्डवेयर भी जबरदस्त रहा, मतलब डे वन से कोई भी ऐसा तो नहीं लगा कि कुछ भी सीखा नहीं आया। ऐसा टेलीकॉम फुल पैसा वसूल बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता? कौन कौन मानता है ये सर बताइए, वजह है कि नहीं है आवाज? और उतना ही डिसिप्लिन आज काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर हम डिसिप्लिन से काम नहीं करते तो क्या ये आउटपुट निकाल पाते? नहीं निकाल पाते। तो ये सब कुछ है ऐसा टेलीकॉम ने डिसिप्लिन जो कि आपने अटेन किया। एक बार आप लोगों के लिए भी हम जोरदार ताली बजाएंगे भाई सभी लोग। डिसिप्लिन है सबसे इम्पोर्टेंट। अभी रस्ते में बहुत सी क्लासों में तो क्लास लगने के आधे आधे घंटे तक टीचर आते नहीं है और स्टूडेंट उन्हीं की राह देखते रहते हैं ना। अच्छा ये कोई थ्योरिकल इंस्टीट्यूट तो नहीं है क्या?
लेके जा रहे हैं, बैकअप लेके जा रहे हैं, 5G का बैकअप किसके पास होगा जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए मैं आपको शाम को क्या कार्यक्रम होने वाला है वो भी डिटेलिंग करूंगा। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ जयदेव सरीक सर के, एक बार जोरदार प्रजा हाथी बताइए सर। इनका आज ब्राउज़र देख रहा था तो मैं सोच रहा था इनके बारे में क्या क्या बोलूं। भाई इतनी कम उम्र में इंडिया में एक बड़े टूल का अपने एज अ डीलर होलसेलर रिसेलर भाई टूल वाले का नाम करना ऑनलाइन सेगमेंट में एक बहुत बड़ी बात है, आप समझ रहे हैं। ऐसा ही कुछ आपको भी करना है, आपको अपनी फील्ड में अपना नाम मार्केट के अगल बगल नहीं पूरे इंडिया में फैलाना है। आज हमारे मोबाइलों के SMS आप जानते नहीं कि हमारे मेरे SMS में दुनिया भर के SMS आते हैं, फ्लीसी पिंग हो गया, कहां कहां के SMS आते हैं, किन किन को मना कर रहे हैं हम। हेलो अभी चलते चलते एक मैसेज आया कि आप कौन सी लैंग्वेज में ट्रेनिंग देते हैं, समझ आता है। तो ये ऐसा नाम फैलाना है आपको और वो नाम 10 दिन में नहीं फैलेगा, उसके लिए बहुत तबीयत से तगड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कहता कि 5 साल लगेंगे 10 साल लगेंगे, पर मैं कह सकता हूँ कि 5 साल की मेहनत को 6 महीने में बनाया जा सकता है। वो 6 घंटे काम कर रहा है, मैं 12 घंटे काम करूंगा, तुम 14 घंटे काम करना। मैं किसी भी आदमी से अगर 1 घंटा ज्यादा मेहनत करूंगा तो ऑब्वियस है कि उसके जल्दी उस तक पहुंच सकता हूं। कंडीशन ये है कि मेरा चुनाव क्या है। हेलो यहां आपने देखा कि यहां कोई भी टीचर या कोई भी स्टूडेंट आपने भी देखा शुरू से ना कभी ऐसा हो कि हमें लंच के लिए भगना है। हेलो किसी के लिए चलो यार भूख लग रही है चलो आधे घंटे का ब्रेक ले लेते हैं, तो मेरी मुझसे लगता नहीं है कि आज तक हमने 1 घंटे का ब्रेक किसी को दिया है, पॉसिबल ही नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमें ऐसा कुछ होना पड़े कि रात में हॉस्टल में आके आपको सिखाना पड़े। तो अगर हॉस्टल में आपको सिखाते इतना डाउट आपके होते तो दिन में पढ़ाया क्या फिर हमने। जिस भी इंस्टीट्यूट में देखो रात में टीचर बैठे हैं हॉस्टल में तो सोचो उनके दिन में कितने डाउट है। हेलो बहुत सारी चीजें हैं। चलो आज मैं मलिक सर के बारे में बात करूंगा। तो यहाँ पर इतनी सारी कंपनियां हैं, पहले JCI पहले ये अपने बारे में भी बताएंगे पर मैं कुछ बता दूं, इनके पास JCID का है, फोमकॉम है, नसान है, मेकेडिक है, बेंचमार्क है, 301 है, सर के साथ में उसके साथ में सर का खुद का प्रोडक्ट है हार्ड ब्लू किलर और जेडेक्सोरी ISP जो उन्होंने बहुत पहले बना के रखा था और इनके खुद के ब्रांड के माइक्रोस्कोप है और अनगिनत प्रोडक्ट है। सो मलिक सर पहले मुझे बताओ कि आप करते क्या हो और थोड़ा डिटेलिंग बताओ आपने कहां से शुरुआत की है, थोड़ा इनको मोटिवेशन मिलेगा इससे, समझ में आ रहा है आपको, बताइए। और अब ये बताइए आप किस किस में चीज में डील करते हो टूल्स में। अगर आप मोबाइल तकनीशियन हो और IC चिप लेवल का काम नहीं कर पा रहे हो और आप CPU EMMC पर काम करना चाहते हो तो आज ही कॉल करें एडमिशन के लिए। हम आपको देंगे गारंटी वर्क, 3 दिन में पावर IC और 4th दिन में CPU करवा देंगे। हम देंगे IC पैड लाइन की जानकारी, यहाँ हॉस्टल में इसकी सुविधा फ्री है, हम बनाएंगे आपको तकनीशियन से टीचर, ये आपसे वादा है। क्या आप अपनी दुकान का काम दूसरों को दे रहे हैं क्योंकि आपसे IC लेवल का काम नहीं आता और आपने सस्ते में लोकल मोबाइल सेंटर में काम भी सीखने गए पर वह भी नहीं सीख पाए और ना ही YouTube में सोल्यूशन देखने का फायदा मिल रहा है, तो आज ही ज्वाइन करो देश का सबसे बड़ा चिप लेवल मोबाइल इंस्टीट्यूट एशिया टेलीकॉम, जो आपको देगा आपके काम की गारंटी। एशिया टेलीकॉम देश में एडवांस मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में सबसे बेस्ट क्यों है, हमारे यहाँ स्टूडेंट को मिलते हैं 12 घंटे में 7 घंटे सिर्फ प्रैक्टिकल और बाकी थ्योरी क्लास, यहाँ स्टूडेंट से काम करवाया जाता है ना कि फोन टीचर से, फोन रिपेयर करके सिर्फ दिखाया जाता है, यहाँ बेसिक से एडवांस सिखाया जाता है जिसमें हार्डवेयर EMC सॉफ्टवेयर हैं।